लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वेलकम बैक क्रिएटर, तो कैसा लगा आज का प्रीव्यू हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके हर एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो अगर आपको ऐसा स्टेटस बनाना है तो आप सिंपली एक एलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास फ़ोन में है तो सही, अच्छी बात है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक बिट मार्क प्रोजेक्ट करके एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आपको बिट मार्क प्रोजेक्ट को एलाइट मोशन एप्लीकेशन में इम्पोर्ट कर देना है। ठीक है, इम्पोर्ट करने के बाद मैं बिट मार्क प्रोजेक्ट को इस तरह से ओपन होगा कुछ, आपको बिटमैप प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से ओपन कर लेने के बाद पहले बिट पे आना है। पहले बिट पे आने के बाद आपको जिस भी फाइल में आपकी फ़ोटो हो, ये प्लस के आइकन क्लिक करके यहाँ से जाके आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपके पास जिस भी फाइल में फ़ोटो हो, उस फाइल को क्लिक करके आपको उस फोटोज़ को क्लिक करना है। ठीक है, फोटोज़ को क्लिक करके आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर कर देना है। ठीक है, हमारा फोटो जो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बिट पे आना है और फोटोज़ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ट्रिम का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट फोटो को भी हमें ऐड करना है। ठीक है, तब तक से मैं सारे फ़ोटोज़ को ऐड करता हूँ, तो वन बाय वन करते रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमें फ़ोटोज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें तीन फ़ोटोज़ को ऐड करने के बाद ये हमें जो है हमें यहाँ पे आपको ये एक बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड फ़ोटो दिखेगा जो कि आपको ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना, मतलब इसको इसी तरह रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ नहीं ऐड करना है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बिट से फिर इसके बाद यहाँ से फ़ोटो को हमें ऐड करते जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, फ़ोटोज़ को ऐड कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सारे फ़ोटोज़ को इस तरह ऐड करने के बाद हमें फिर से सेक इफेक्ट में चले जाना है। ठीक है, सेक इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये एक इफेक्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों इफेक्ट को हमें यहाँ से क्लिक करके होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस का आइकन क्लिक करके यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का दिखेगा। ठीक, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी टू लेयर्स, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ से हमें बैक आ जाना है, फिर बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और फिर से हमारा जो वो इमेज था उस इमेज की बिट पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से आने के बाद उसे हमें यहाँ पर पेस्ट टू लेयर्स को कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसके नेक्स्ट बिट तक आना है और उसको वहाँ से आके इसको यहाँ तक इसको स्क्रॉल कर देना है, मतलब यहाँ तक बढ़ा देना है स्पीड को। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि नीचे वाले जो ये सर्कल वाला बीट है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कलर एंड फिल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट मीडिया का ऑप्शन आएगा, इस पर सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करके आपको जो भी मीडिया जो भी फ़ोटोज़ को ऐड करना होगा आप यहाँ से कोई भी फ़ोटोज़ को ले सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली एक फ़ोटो यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ आप लोग को, जैसे कि मैं ये फ़ोटो को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ऐड करने के बाद बैक आ जाएंगे देन, और फिर इसको मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको उसके अनुसार अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक, और फिर उसके बाद जो हमारा इफेक्ट है, पहला इफेक्ट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, पहला इफेक्ट को कॉपी करने के बाद बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और देन स्क्रॉल करके हमें नीचे जाना है और पहला इफेक्ट को यहाँ पे जिस पे यहाँ पे नीचे जो जो इफेक्ट जिस नंबर पे हुआ आपको उस इफेक्ट को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दूसरा इफेक्ट है, देन यहाँ पे देख लेना है पहला इफेक्ट और कहीं तो नहीं ना है, यहाँ पे पहला इफेक्ट है। ठीक, यहाँ पे भी हम कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको देखना है। ठीक है, पहला इफेक्ट काम हमारा हो चुका है, तो देन हमारा सेकंड इफेक्ट ओपन करते हैं। सेकंड इफेक्ट को हम कॉपी कर देते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से हम सेकंड इफेक्ट पे आप जाएंगे बिट मार्क प्रोजेक्ट पे। सेकंड इफेक्ट को यहाँ पे स्क्रॉल करके हमें नीचे जाना है और यहाँ से हमारा सेकंड इफेक्ट है, तो इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा और देन हमारा ये भी इफेक्ट काम हो गया। ठीक है, दो नंबर का इफेक्ट और कहीं देख लेते हैं, और कहीं नहीं ना है, तो हमारा दो नंबर का इफेक्ट काम हो चुका है। ठीक है, अब तीसरे नंबर के इफेक्ट को हम लोग ओपन करते हैं। ठीक, तीसरा नंबर इफेक्ट ये नहीं है, ये यहाँ से ये तीसरा नंबर का इफेक्ट है। ठीक, तो इसे हमें यहाँ पे जाना है, फिर इसके बाद फोटोज पर क्लिक करके इफेक्ट पे चले जाना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर देना है। देन यहाँ से हम वीडियो स्किप कर देते हैं थोड़ा सा। देन सारे इफेक्ट्स को लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ऊपर क्लिक
इस तीर के निशान पर यहाँ पे क्लिक करना है और हमें वीडियो को एक्सप्लोर कर देना है। एक्सप्लोर करने के बाद 2 या 3 मिनट में आपका वीडियो कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।